हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल क्रिस्पी और करारी, बिल्कुल चटपटी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को आप पूरा एंड तक देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और बहुत ही अच्छे सा स्नैक्स तैयार हो जाती है ये ब्रेड से हम तैयार करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं इस तरीके से। आपके पास जो भी हो, ताजी हो या बची हुई भी अगर ब्रेड हो आपके पास ना, तो आप उससे भी बहुत ही बेहतरीन सा नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमें करना क्या है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड के पीसेस लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इसे कटिंग करनी है, ठीक है। तो कटिंग करने के लिए आप घर का कोई भी प्याला ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए या कुछ कुकी कटर हो तो वो ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर ना, यहाँ मेजरमेंट कप जो होती है ना, मैं वो यहाँ पर ले रही हूँ, उसी से मैं आज यहाँ पर कटिंग करूंगी। तो आप कोई भी ऐसा कटिंग करने के लिए ले लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर देखिए एचेस वगैरह जो है भी है हमारे साइड्स के एक के जो है वो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी की कटिंग की मदद से ही ये पूरी अच्छे से, ये एचेस जो है साइड की कॉर्नर जो होते हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली। और जो जितने भी पीस आपको बनाने हो ना, ये स्नैक्स इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। तो इसे हमें क्या फेंकना भी नहीं है, इसे हम इसी रेसिपी में हम यूज करने वाले हैं। तो सारा ब्रेड आपका यूज हो जाने वाला है, बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग कर लेने के बाद ही इसे हम रखेंगे। और ये नाश्ता आप एक बार बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जबरदस्त बनता है। आप ना समोसे कचौड़ी खाना भूल जाएंगे। ये नाश्ता एक बार अगर आपने बना लिया ना, तो दोबारा जरूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इतना ही टेस्टी बनती है, खाने में बिल्कुल लाजवाब है। तो इसी तरीके से ना बाकी सभी पीसेस को हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेने, बहुत ही आसानी से ये कट हो जाती हैं, क्योंकि इसका जो है ब्रेड जो है बिल्कुल सॉफ्ट है। और अगर आप जो ब्रेड लाते हो वो खा लेते हैं और उसके बाद दो पीस तीन पीस भी अगर बच जाती है, तो बहुत ही आसानी से इस नाश्ते को आप उसी ब्रेड से तैयार कर सकते हैं। तो जितने पीसेस करने हैं, तो इसी तरीके से आपको गोल में कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने कर ली है। तो चलिए हम इसे रखते हैं साइड में। अब हम इसकी स्टफिंग जो है इसका तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना है कि यहाँ पर ना तीन पीस मैंने बड़े साइज के आलू को बॉयल कर लिया था, अच्छे से ठंडा कर लिया। उसके बाद मैंने फॉक से इसे मैंने मैश कर लिया। आप यहाँ पर चाहे तो ग्रेटर यूज कर सकते हैं, ग्रेट इसे अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए टेस्टी फुल यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक, तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला है अच्छा सा कलर आने के लिए, थोड़ा सा मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है और आधा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर भी डाला है मैंने, ताकि इसका जो है फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा लाजवाब आएगा। अब यहाँ पर डाल दीजिए आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा ही चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर गर्म मसाला पाउडर। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से अगर आप इसमें मसाले डालते हैं। और अगर आप हल्के फुल्के से मसाले डालना चाहते हैं, तो सिर्फ आप काली मिर्च और चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिएगा और काली मिर्च का पाउडर डालिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है चाट मसाला। तो चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है तो अमचूर पाउडर हो तो वो डाल दीजिएगा। तो यानी कि खटाई थोड़ा सा इसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा चटपटा आएगा। तो नींबू हो तो आप नींबू यहाँ पर हाफ लेमन का रस यहाँ पर गार करके डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया, यहाँ पर काला नमक भी डाला है तो थोड़ा ही डालना है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वाले नमक भी मैंने डाला है। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा और चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो चिली फ्लेक्स की जगह पर आप ना हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। तो तीखा आप अपने ही अकॉर्डिंग पे रखेंगे, जितना आपको या आपके बच्चों को पसंद हो। तो यहाँ पर सबसे क्या बोलते हैं, ये मैंने डाला ओरिगैनो। ओरिगैनो से जो है बहुत ही अच्छा सा लाजवाब सा टेस्ट आता है। आपके पास हो तो जरूर से ऐड कीजिएगा, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन डालिएगा जरूर से, तो अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें थोड़े से हम वेजेस को यूज कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया है 2 से 3 चम्मच के करीब, बिल्कुल बारीक चॉप करके, और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को भी यूज कर लिया है। अब बारी आती है जो इसके कॉर्नर जो कटे थे, एचेस जो कटे थे, तो उसको हमें कैसे यूज में लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हाथ में लीजिए और छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से हम कट कर लेंगे, यानी कि तोड़ लेंगे, और रफली इस तरीके से ना मैश करेंगे ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से
मैश हो जाएगी और बिल्कुल क्रम्स के फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें कर लेने हैं। थोड़े बहुत बड़े टुकड़े भी रहेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आलू में नमी होती है और नमी की वजह से ये ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो हमें इसमें ना ब्रेड क्रम्स वगैरह अलग से एक्स्ट्रा नहीं डालना है, बस इसी से ही हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सभी ब्रेड को इसी तरीके से मैंने इसे डाल दिया है रफली क्रश करके। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल दिया है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ सके। अब इन सभी चीजों को अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, और अगर आपका आलू में ज्यादा नमी है, ज्यादा गिलगिलापन है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ब्रेड को जो है आपको एक बढ़ा देना है, और कॉर्नफ्लोर यूज कर लीजिएगा या तो चावल का आटा यूज कर लीजिएगा। तो बस इस तरीके से अच्छे से उसके बाद मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से डो तैयार हो गया है। मेरा आलू जो है बहुत ही नमी नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसे ठंडा करने के बाद ना फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से बहुत ही अच्छा सा ये आलू तैयार हो जाता है, आपका जो नमी जो है आलू में बिल्कुल नहीं रहता है। तो कोशिश करें कि बॉयल करने के बाद जो है आलूओं को ना फ्रिज में थोड़ा देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप कोई भी ऐसी रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा ये देखिए चिकना हो गया ना। बड़ा सा हमें बॉल लेना है और इस तरीके से ना टिक्की का शेप हमें दे देना है। तो ये इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर देखिए कुछ मैंने टिक्की का शेप दे दिया है। तो लेकिन बड़े बड़े साइज में हमें टिक्की बनानी है। तो अब हमें करना क्या है, तो ये देखिए एक पीस मैंने इस ये जो कटिंग की हुई जो ब्रेड है ना, बस वो ले लेनी है, और अब इसके ऊपर से ना टोमेटो केचप लगा देना है। तो टोमेटो केचप यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, इसका दो रीजन है, एक नहीं दो दो रीजन है। क्योंकि पहला रीजन ये है कि इसमें जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, टोमेटो केचप से एक अच्छा सा टैंकी सा फ्लेवर आएगा। और दूसरा क्या रीजन है, जब हम टिक्की को इसके ऊपर रखेंगे ना, बिल्कुल आसानी से ये टिक्की चिपक जाएगी। तो ये देखिए इसे मैंने उठाया और इसमें मैंने रख दिया है, और इसे अच्छे से हम चिपका देंगे। तो बस इसी किसी भी आप चम्मच हो, स्पैचुला हो आपके पास जो भी हो, या ना इस तरीके से हो, तो बस इस तरीके से हम हल्के हल्के प्रेस करेंगे ताकि ये आसानी से ब्रेड में चिपक जाए। तो ये बहुत ही आसानी से ये चिपक गई है, और अगर आप टोमेटो केचप नहीं डालेंगे ना, तो बिल्कुल आसानी से ये नहीं चिपकेगी। चिपकेगी लेकिन अच्छे से नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें चिपका लेना है। तो ये देखिए हमारा एक जो है नाश्ता बन करके रेडी होने वाला है। तो ये देखिए इस तरीके से है ना। तो चलिए अभी इसके प्रोसेस और भी बाकी है भाई, अभी तैयार नहीं हुआ है। तो ये देखिए अब हम दूसरे पीसेस को भी इसी तरीके से हम स्टफ करेंगे। तो पहले हम सॉस डालेंगे। तो आप यहाँ पर ग्रीन चटनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ना यहाँ पर टोमेटो केचप का जो है स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो बच्चों को भी पसंद आता है टोमेटो केचप। तो इस तरीके से आप ना फैला लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद इसमें टिक्की डाल देंगे। तो इसमें ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप बर्गर खाते हो तो आप ना इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। इसकी जो फिलिंग्स बनी थी ना, बहुत ही जबरदस्त बना था। इतना ही चटपटा बना था कि यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई या ना आई। तो ये आप बनाने के बाद ही डिसाइड करेंगे। तो ये देखिए मैंने जो है यहाँ पर नाश्ते कुछ तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं आप। तो आप चलते हैं इसे हम फ्राई करने के प्रोसेस पे। फ्राई करने के भी यहाँ पर जो है प्रोसेस जो है बहुत ही देखने वाली है, किस तरीके से हम इसे फ्राई करने वाले हैं। अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो आपको ये पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो हमें फ्राई किस तरीके से करना है वो आप देख लें। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है गरम करने के लिए। तो अच्छे से ये हीटेड गरम हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें ना नीचे साइड आलूओं का रखना है, ऊपर हमें ब्रेड वाला साइज साइड जो है ऊपर रखना है। तो ये देखिए आलू की साइड नीचे है, ऊपर ब्रेड है ना। इसी तरीके से हम पहले ना आलू को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, अब जब तक इसमें अच्छा सा एक कलर नहीं आ जाता है। तो चलिए कुछ सेकंड हम इसी तरह से रहने देंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है आलू अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो हम इसे फ्लिप कर लेंगे। ये फ्लिप करने के
कि टाइम पे ना आपको गैस का फ्लेम हाई रखना है, और आलू जब तक आप फ्राई कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पर इसे आसानी से आप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इसे टर्न कर लिया, जिस टाइम आपको गैस का फ्लेम बढ़ा देना है और इसे हाई फ्लेम पर आपको फ्राई करना है, क्योंकि ना ब्रेड है तो ब्रेड जो है ऑयल एब्जॉर्ब करती है, ये तो आपको भी पता होगा, इसलिए आपको हाई फ्लेम पर ही करना है। और ऐसा नहीं कि आप इसे हाई फ्लेम पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ब्रेड जो है बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती है, कलर इस पर बहुत जल्दी चढ़ जाता है और क्रिस्पी भी बन जाती है। तो बस आधा मिनट आपको लगेंगे इस तरीके से आपको फ्राई करने में। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए मैंने गैस को कर दिया ऑफ और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। तो देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, यकीन मानिए खाने में वो उतनी ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल यमी बनती है। और ऊपर की फिलिंग्स जो है ना बहुत ही चटपटी बनी है, और इन नीचे की लेयर जो है ब्रेड जो है बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बनी है। तो इसे आप बिना टोमेटो केचप के आप खा सकते हैं, अगर आपको अलग से लेनी हो तो आप अलग से लेकर के खा सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में। तो ये देखिए दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी और करारा बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप बनाएं और अपना फीडबैक जरूर से दें। थैंक